अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? जी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चेक रिपब्लिक की। ये वीडियोस आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भी चेक रिपब्लिक की ही हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ये रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू वेरी मच। बात करेंगे चेक रिपब्लिक की। इसकी जो आबादी है वो 11 मिलियन है, 11 मिलियन इसकी आबादी है। ज़ुबान इसकी चेक है, चेक रिपब्लिक की जो ज़ुबान है वो चेक है। बात करेंगे इसका जो मैप है यानी कि जो बॉर्डर्स हैं किन कंट्रीज़ के साथ शेयर होते हैं, तो इसका जो बॉर्डर है चेक रिपब्लिक का जो बॉर्डर है सबसे ज़्यादा वो शेयर होता है जर्मनी के साथ। आप लोग ख़ुद भी गूगल में ओपन करके देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा इसका बॉर्डर शेयर होता है जर्मनी के साथ, उसके बाद ऑस्ट्रिया के साथ, फिर पोलैंड के साथ और स्लोवाकिया, चार मुल्कों के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जो ऑस्ट्रिया है ये भी पहले जर्मनी का हिस्सा था, बाद में फिर अलहदा हुआ। ऑस्ट्रिया और जर्मनी एक ही कंट्री था, बाद में ये अलहदा हुआ तो इसका नाम ऑस्ट्रिया रखा गया। तो चेक रिपब्लिक अपने बॉर्डर शेयर करता है चार कंट्रीज़ के साथ, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड और स्लोवाकिया के साथ। इसका जो कैपिटल है उसका नाम प्राग है, प्राग इसके कैपिटल का नाम है। छोटा सा कंट्री है, बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत खूबसूरत कंट्री है, कल्चर इनका बहुत अच्छा है। यूरोप में जो सबसे ज़्यादा फ्रेंडली लोग हैं उनमें पुर्तगाल, स्पेन, इटली और उसके बाद चेक रिपब्लिक आता है। तो चेक रिपब्लिक जो है यहाँ के जो लोग हैं बहुत फ्रेंडली लोग हैं, बहुत प्यार मोहब्बत करने वाले बड़े फ्रेंडली लोग हैं। जैसे कि अगर आप जर्मनी जाएँ तो जर्मनी के, नॉर्वे के, स्वीडन, डेनमार्क, इन कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा रूड हैं, फॉरनर्स को इतना पसंद नहीं करते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पोलैंड के, चेक रिपब्लिक के, इटली के, स्पेन के और पुर्तगाल के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लोग हैं। चलें ये अभी बात करते हैं कि अगर किसी को चेक रिपब्लिक का 2 साल का वर्क परमिट चाहिए, जी हाँ ये जो वर्क परमिट है ये 2 साल का है और सिर्फ 1 महीने के अंदर ये पासपोर्ट के ऊपर लग जाता है, 1 महीने के अंदर इसका स्टिकर लग जाता है। 2 साल का वर्क परमिट है, जो काम है वो फैक्ट्रियों के अंदर काम है। सैलरी मैं आपको बता दूँ, माल्टा में, चेक रिपब्लिक में, पोलैंड में सैलरी कम होती है, तकरीबन 1000 से लेके 1200 तक, 1000 से 1200 तक मैक्सिमम आप लोगों की सैलरी होगी। लेकिन अच्छी चीज़ यह है कि 2 साल का वर्क परमिट है ये। अगर किसी को ज़्यादा डिटेल चाहिए चेक रिपब्लिक के बारे में और ज़्यादा डिटेल या मालूम चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप लोग फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करके बात कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आपको खुद होता है सम टाइम फ़ोन आते हैं कि आपका जो नंबर है वो बड़ी मुश्किल से मिला, अगर किसी को डिस्क्रिप्शन से नंबर निकालना नहीं आता तो आप किसी दोस्त से, रिश्तेदार से, किसी और को कह के डिस्क्रिप्शन से नंबर ले सकते हैं। तो अगर किसी को 2 साल का चेक रिपब्लिक का वर्क परमिट चाहिए तो आप लोग इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर रब्ता करें, आपको सारी जो गाइडलाइन है तमाम गाइडलाइन दी जाएगी। वैसे मैंने काफ़ी हद तक इस वीडियो में बता दिया है कि 2 साल का ये वर्क परमिट है और 1 महीने के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं जनाब कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।